दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हो और आप अपनी वीडियो को फ़ोन से रिकॉर्ड करते हो तो आपकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट करती है या फिर बहुत ज़्यादा हिलती डुलती रहती है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों टेंशन मत लो, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि हाउ टू रिकॉर्ड यूट्यूब वीडियो ऑन मोबाइल। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपकी वीडियो जैसे पहले बनती थी वैसे ही बनती रहेगी। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है ओपन कैमरा। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे एप्लीकेशन नज़र आ रहे हैं, आपको इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। तो जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस नज़र आएगा, और यहाँ पर आपके सामने सेटिंग का लोगो दिखाई दे रहा है। सिंपल सा आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने फेस डिटेक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसको आपको ऑन कर लेना है ताकि जब भी आपकी वीडियो रिकॉर्ड करे तो ये आपके फेस को हमेशा डिटेक्ट करता रहे। और फिर इसके बाद में आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर वीडियो वाले सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो रेजोल्यूशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपल सा आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आपको अपने वीडियो को जिस भी क्वालिटी में रिकॉर्ड करना चाहें उस क्वालिटी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों मैं अपनी वीडियो को हमेशा फुल HD में रिकॉर्ड करता हूँ, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हूँ। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने इनेबल डिजिटल वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपको इसे ऑन कर लेना है ताकि जब भी आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो तो आपकी वीडियो जो हिलती डुलती है वो नहीं होगी। और फिर इसके बाद में आपको वीडियो फॉर्मेट पे क्लिक करना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और फिर इसके बाद में मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ वीडियो, दोस्तों यहाँ पर मैं हमेशा अनलिमिटेड पे रखता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं जितने टाइम तक चाहूँ उतने टाइम तक अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता हूँ और हमारी वीडियो अपने आप स्टॉप नहीं होगी। तो दोस्तों मैं हमेशा अनलिमिटेड पे रखा हूँ। और फिर इसके बाद में आपके सामने रिस्टार्ट वीडियो आफ्टर मैक्सिमम ड्यूरेशन, आपको इस पर कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों इसके बाद में मैक्सिमम फाइल साइज ऑफ वीडियो, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको हमेशा डिवाइस डिफॉल्ट पे रखना है। दोस्तों आपको अपनी वीडियो का कोई साइज नहीं देना है कि 100 MB में, 200 MB में, 300 MB में रिकॉर्ड हो। तो दोस्तों हमेशा डिवाइस डिफॉल्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको रिस्टार और मैक्सिमम फाइल साइज, इसको आपको हमेशा ऑन रखना है। और फिर इसके बाद में रिकॉर्ड ऑडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको दोस्तों आपको हमेशा ऑन रखना है। और फिर इसके बाद में ऑडियो सोर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अगर आप मेरी तरह एक बोया YM1 का माइक यूज करते हैं या फिर आप किसी भी तरीके से कोई भी एक्सटर्नल माइक यूज करते हैं तो दोस्तों आपको एक्सटर्नल माइक इफ प्रेजेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं करते हैं तो कैमकॉर्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और फिर इसके बाद में लॉक स्क्रीन व्हेन रिकॉर्डर वीडियो, दोस्तों आपको इसे हमेशा ऑफ रखना है। और फिर इसके बाद में वीडियो बाइट रेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप जिस भी MBPS में चाहें उस MBPS में रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों आपकी इच्छा चाहे तो 30 MBPS, चाहे तो 40 MBPS, मतलब आप जिस भी MBPS में चाहें उस MBPS में आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हाई करेंगे आपकी वीडियो की क्वालिटी उतना ज़्यादा अच्छी रहेगी। मैं दोस्तों हमेशा फुल पे रखता हूँ 200 MBPS। और फिर इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर वीडियो फ्रेम रेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैं दोस्तों हमेशा डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन पे रखता हूँ, आप जिस भी ऑप्शन पे चाहें उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और फिर इसके बाद में 4K Ultra HD वीडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आपका फ़ोन 4K HD को सपोर्ट करता है तो आपको इसे इनेबल करना है, अगर नहीं करता है तो आपको इसे हमेशा डिसेबल रखना है। फिर इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको सबसे नीचे फ्लैश व्हाइल रिकॉर्डिंग वीडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन के बैक कैमरे को यूज करना चाहते हैं और वहाँ पर आप अपने फ्लैश लाइट को भी जलाना चाहते हैं तो इसको ऑन रखना है, नहीं तो इसको ऑफ कर देना है। और आपको दोस्तों इसके अलावा कुछ भी इसमें नहीं करना है। अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं मेरा जो यहां पर वीडियो है वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप अपनी वीडियो को जूम करना चाहते हैं तो यहां से आप इसको जूम कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। फिर इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर प्लस माइनस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपकी जो लाइटिंग है वो चाहे तो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, चाहे तो कुछ भी नहीं करें, बहुत ही कम कर दें। तो दोस्तों मैं यहाँ पर हमेशा नॉर्मल पर रखता हूँ।
फिर इसके बाद में जब आप अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करें तो आपको यहाँ पर लॉक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस पर क्लिक कर देना है ताकि आप जब वीडियो को रिकॉर्ड करें और आपका फ़ोन चाहे जितना वाइब्रेट करे तो आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो हमेशा सेम रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी वीडियो को बहुत ही अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर इसके बाद में आपको इसे एडिट कर लेना है। अगर आपको एडिट करना नहीं आता है तो मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप एडिटिंग सीख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कॉमेंट में बता देना कि ये वीडियो कैसी लगी और अगले किस टॉपिक पर चाहिए। और अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे YouTube से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, बाय बाय।